वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 11 अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सब क्लास 11 अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इस टॉपिक को समझने वाले हैं। बट स्टार्टिंग करने से पहले स्टार्टिंग बिफोर, मैं आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कॉमर्स सेलेक्ट करने के आप लोग के रीजन्स क्या थे, है ना। ज़रूर जब आप ये वीडियो देखें तो एक बार ज़रूर अपने आप में एनालाइज करिएगा कि आप लोग सब कॉमर्स सेलेक्ट क्यों करें, आप लोगों को कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लगा कि हमें चूज़ करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आजकल जब भी या मैं कभी भी बच्चों से बात करती हूँ इस टॉपिक पे, कभी भी मेरी बात होती है तो हमेशा मुझे एक सुनने में आता है कि मैम हमको मार्क्स नहीं पढ़ना था या मैम मेरे परसेंटेज नहीं थे तो हमने कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स इन सारी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन उठ के आए कि हमें कॉमर्स क्यों लेना चाहिए तो ज़रूर इसका आंसर करिएगा कि कॉमर्स हम सबसे या कॉमर्स इतना डिफरेंट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कॉमर्स में आपके पास वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं। आप जिन फील्ड्स में जाना चाहें, शायद हम मैथ्स और बायो के साथ हम कुछ फील्ड्स में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम कुछ फील्ड्स में रुक जाते हैं, लेकिन जब हम कॉमर्स जाते हैं, जब हम कॉमर्स एज एन सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए एक बहुत वास्ट ऑप्शन होता है, हमारे लिए एक बहुत वास्ट लेवल पर हमारे लिए होता है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो कॉमर्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कॉमर्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोग आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे अकाउंटेंसी की, लेकिन सिंस मेरा ये पहला वीडियो है तो पहले वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स शेयर करना चाहती हूँ। ये जो एक 11th का पहला वीडियो है, आई गेस आपने 12th के वीडियोस भी चेक करे हैं, लेकिन 11th के वीडियोस में 11th का जब मैंने वीडियोस सोचा है कि मैं चालू करूँगी तो मैं सबसे पहली क्लास अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की लेना चाहती हूँ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म हेयर मैं आपको और कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। आपको प्रिफर क्लास 11th और 12th के लिए NCERT बुक्स ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हम जो बोलते हैं एक सब्सिडरी बुक्स के तौर पे, आप TS ग्रेवाल, राइटर का नाम TS ग्रेवाल है, आप उनकी बुक प्रिफर कर सकते हैं। वो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखते हैं। और इसके अलावा आपके स्कूल्स में जिन बुक्स के बारे में, जिन सब्सिडरी बुक्स के बारे में बोला गया आप ज़रूर रेफर करिए, लेकिन NCERT की रीडिंग, NCERT की प्रैक्टिस हमें नहीं छोड़नी है। NCERT जब आपको एक करिकुलम प्रोवाइड होता है, NCERT जब आपको बुक्स प्रोवाइड करिए तो उनकी रीडिंग आपके लिए बहुत कंपल्शन है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ इन 12 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतनी थोड़ा सा एक अकाउंट्स के बारे में, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसके बारे में समझते हैं। अकाउंटेंसी या हिंदी में उसको बोला जा सकता, या अकाउंटेंसी या हिंदी में इसको बोला जा सकता है लेखांकन। ठीक है, अकाउंटेंसी या हिंदी में इसको लेखांकन बोलते हैं। अकाउंटेंसी अपने आप में मतलब होता है प्रैक्टिस करना एक तरीके से, या आप अकाउंटेंसी क्या, अगर आप बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाओगे, मैं उसको अगर आपको वर्ड्स में या बुकिश लैंग्वेज में बताने जाऊं तो अकाउंटेंसी एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग समझते हैं इसके जो हम लोग का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ओके, तो चलो आज हम लोग सबसे पहले अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी मतलब अपने आप में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। किन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स होते हैं उनको हम इंटरप्रेट करते हैं। अकाउंटेंसी में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैं सबसे पहले पहचानती हूँ कि कौन से जो भी जिन लेन देन को मैं अपने बिजनेस में कर रही हूँ वो लेन देन मेरे बिजनेस के हैं, वो पैसों से रिलेटेड हैं, होने के बाद वो मुझे कितना फ़ायदा दे रहे हैं, कितना नुकसान देने हैं, मुझे उनको किन हेड्स में, किन टॉपिक्स में उनको मुझे क्लासिफाई करना है, और उसके बाद उसको जब मैं क्लासिफाई कर ले रही हूँ या उसके बाद जब मैंने उनको क्लासिफाई कर दिया है तो मुझे उसका एग्जैक्ट निष्कर्ष निकालना है या मुझे उसका एक कंक्लूजन डिराइव करना है कि ये ट्रांजैक्शन अगर मैं फ्यूचर में करती हूँ तो मुझे इससे प्रॉफिट होता है कि मुझे लॉस होता है। ठीक है,
चलो स्टार्टिंग। अब हम लोग जब अकाउंटेंसी का मतलब हम सब समझ चुके हैं, तो अकाउंटेंसी के बाद अब हम लोग को इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता है बिजनेस में जो भी हम लेन देन कर रहे हैं उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन है, पैसों की जो लेन देन है, उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज़ आती है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी। पूंजी पूंजी मतलब होता है जो पैसे लगा के हम लोग अपने बिजनेस को चालू कर रहे हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अकाउंट। अकाउंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाता। खाता मतलब जिस भी चीज़ से हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस अकाउंट से हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब अगर आपने और मेरे, आपके और मेरे बीच में कोई लेन देन है, अगर आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजैक्शन है, तो आप बोलोगे ना मैंने आपके खाते में पैसे डाल दिए, मैंने अपने खाते से आपके खाते में पैसे डाले, मैंने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा हुआ है, तो दैट इज़ अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब होता है अपने ही पैसों को विड्रॉ करना। कभी कभी हम लोग बिजनेस में ना पैसे लगा देते हैं, पैसे लगाने के बाद हम नोटिस करते हैं कि हाँ ये पैसे मैंने लगा दिए ना, तो मुझे इसको मुझे कुछ ज़रूरत आ गई है या मुझे कुछ काम आ गए हैं, तो मुझे अब इसको विड्रॉ करना है, तो ये मेरा ड्रॉइंग्स कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो दो तरीकों की होती है। लाइबिलिटीज़ मतलब मेरे दायित्व। दायित्व से आप समझ सकते हो आपका सर का दर्द बेसिकली, ठीक है। आप खाओ, आप रहो, आप कुछ भी करो, आप कितना भी कमाओ, आपको इन चीज़ों का पेमेंट करना, जो भी लाइबिलिटी के अंदर आएगा इनका पेमेंट करना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो लाइबिलिटीज़ दो तरीकों की होती है, एक होता है करंट, दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, करंट में हम लोग जो मेरे, जो मुझे एक साल के अंदर जिन चीज़ों के पेमेंट करने हैं, जिन लाइबिलिटीज़ का मुझे एक साल के अंदर में पेमेंट करना है, वो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ है। और जिन लाइबिलिटीज़ का मुझे एक साल से ज़्यादा का टाइम है, मतलब मुझे उतना टाइम भी नहीं है लेकिन हाँ मेरे पास एक थोड़ा सा उनके लिए टाइम है, थोड़ा टाइम लिमिट है मेरे पास उन चीज़ों के लिए, वो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। चलो उसके बाद अब हम लोग को एसेट्स के बारे में पढ़ना है। एसेट्स जो होती हैं, सबसे पहले है हमारी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हिल चुल नहीं सकती, जो चीज़ें कहीं भी नहीं जा सकती, वो फिक्स्ड एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये चीज़ों को आप कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते। अगर आपने अपना कोई पावर प्लांट सेटअप करा है तो आप उसको कहीं लेके नहीं जा सकते ना, तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट। टैंजिबल एसेट्स जिन चीज़ों को देखा जा सकता है, जैसे आपका मोबाइल है, आपका कार है, आपके कुछ आपने प्रीशियस चीज़ें, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी टैंजिबल एसेट में आती है। फिर उसके बाद आता है इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट जो होती है, इनटैंजिबल एसेट में आपका आता है जिन चीज़ों को आप नहीं देख सकते हो, जैसे कि गुडविल। गुडविल के बाद जैसे आपने कभी कोई बुक लिख दी है, अब बुक का राइट्स आप पब्लिशर को दे रहे हो कि हाँ तुम अपना पब्लिश करो, ये करो वो करो, तो उसके, लेकिन आपको उसके पैसे मिलेंगे, जितनी बारी वो बुक पब्लिश होगी आपको उतने बार उसके पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये आपके इनटैंजिबल एसेट्स में आती हैं। जैसे मैंने गुडविल का एक वर्ड कॉइन अप करा था। इनटैंजिबल एसेट्स में अगर हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुडविल मतलब होता है कि आपकी रेपुटेशन। आज अगर आप कहीं पे जा रहे हो, या सपोज मैं आपको एक कैडबरी का एग्जांपल देती हूँ। एक कोई नॉर्मल ब्रांड रखा है और एक कोई कैडबरी की चॉकलेट रखी है, ठीक है। अगर नॉर्मल ब्रांड आपसे 10 रुपये ले रहा है और कैडबरी भी आपसे 10 रुपये ले रहा है, तो आप कैडबरी को लोगे, ठीक। उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भले ही आपको 2 रुपये पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको 2 रुपये पड़ रहा है, लेकिन आप उसको बेच कितने में रहे हो, 10 रुपये में। तो जो ये बीच का 8 रुपये का डिफरेंस है ना, ये उसका गुडविल कहलाता है। कि अगर मैं उसको 2 रुपये में बेचूंगा, कि मैं 2 रुपये में बना के चीज़ों को 8 रुपये में, 8 रुपये फ़ायदे में भी बेच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा हो रहा है ना। अगर 2 रुपये की चीज़ को आप 8 रुपये ज़्यादा करके, मतलब 10 रुपये में बेच रहे हो, आपका ये जो फ़ायदा हो रहा है ये आपका गुडविल है। वहीं पे अगर कोई चीज़ 2 रुपये की है और उसको 4 रुपये में भी कोई नहीं खरीद पा रहा है, तो वो उसकी गुडविल ख़राब है, इसलिए उसको कोई नहीं खरीद रहा है, ठीक। फिर उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर में या उससे भी कम टाइम लिमिट में कन्वर्टेबल इंटू कैश होते हैं, मतलब जिनको आप कैश में
कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप शेयर्स ले सकते हो या आप कैश में कैश को खुद ले सकते हो। कैश भी आप कभी भी उसको कन्वर्ट करके आप असेट्स खरीद सकते हो या कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। सॉरी, रिसिप्ट्स मतलब होते हैं आपके, रिसिप्ट्स मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब कोई भी असेट्स बेचने के बाद जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसको हम लोग रिसिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। रिसिप्ट्स दो तरीकों के होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो आपके होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जो आपके कैपिटल असेट्स बेचने के बाद जो आपको उनके रिसिप्ट्स रिसीव होते हैं वो आपका कैपिटल है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें बेचने के बाद, कैपिटल असेट्स में आता है आपका बहुत बड़े फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स जो होते हैं वो आपके कैपिटल में जाते हैं। वहीं पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो छोटे मोटे आपकी चीज़ें होती हैं जिनको बेचने के बाद आपको मिल रहा है, शेयर, डिबेंचर्स, गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग प्रीशियस, जो छोटी मोटी हैं, नॉट दैट बिग एंड नॉट दैट स्मॉल, ठीक है। तो वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू के दो ब्रॉड पार्ट्स हैं। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन तरीकों के होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वर्ड से ही ये क्लियर होता है, एक्सपेंडिचर मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी असेट या लाइबिलिटी को खरीदने के पीछे या किसी भी चीज़ को खरीदने के पीछे जो आपके खर्चे होते हैं उसको आप लोग एक्सपेंडिचर बोलते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि आपको रिजल्ट कर रहा है कोई एसेट, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक। एक्सपेंडिचर में पहला पॉइंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो जो आपको कैपिटल एसेट्स, जैसे कि मैंने बताया लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको खरीदने के लिए जो आप जो भी बड़ी बड़ी एसेट्स या किसी भी चीज़ को आप खरीदने के लिए खर्चे कर रहे हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कम्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी ऐसी नॉर्मल, नॉट दैट स्मॉल, नॉट दैट लार्ज, है ना, जो बीच की थोड़ी मोड़ी चीज़ों को खरीदने के पीछे आपका अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर है, मतलब ये सेम होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए नहीं होता, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स होते हैं या जो इसका खर्चा होता है ये एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में लगाया जाता है। एक अकाउंटिंग ईयर में ही सिर्फ इसके खर्चे नहीं होते, इसके हर अकाउंटिंग ईयर में हो जाते हैं। जैसे कभी कभी अगर आप सोचोगे रेवेन्यू का, आप अगर जैसे एक एग्जाम्पल ले लो जो फैंस के पीछे है ना, फैंस हो गए, मतलब आपने एक पूरा घर सेटअप करा तो फैन, पर्दे, टेबल, लाइट्स, इनकी ये सब रेवेन्यू इन नेचर है, आपने इनके पीछे एक बार ही खर्चा करा, लेकिन वहीं पे आप उन सारी चीज़ों के प्रमोशन के लिए हर बार खर्चा करोगे तो दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब आपके खर्चे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब, एक्सपेंडिचर मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपने जो खर्चा करा है वो। एक्सपेंसेस मतलब आप यहाँ पे इसको इनकर कर रहे हो ताकि आपको कोई फायदा हो, ताकि आप किसी चीज़ से पैसा बना सको, ठीक। परचेज मतलब जो भी सामान आप परचेज कर रहे हो ताकि आप उसको अपने बिजनेस में बेच सको या सेल्फ कंजम्पशन कर सको। सेल्स मतलब आपने जो सामान खरीदा था अब उस सामान को आप बेच रहे हो, वो आपका सेल्स है। परचेज में एक आता है परचेज रिटर्न्स और एक होता है सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स होते हैं, एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, जो आप परचेज रिटर्न जो भी आपने सामान खरीदा है उस सामान को जब आप वापस कर रहे हो, मे बी उसमें कोई डिफेक्ट है, मे बी उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपका परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है जो भी आपने सामान बेचा था वो आपको वापस आ गया है। परचेज रिटर्न में आप करते हो, सेल्स रिटर्न में आपको वो सामान वापस आता है कि आपका सामान जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है या ये मुझे अभी नहीं चाहिए था या मैं कुछ और खोज रही थी, वट एवर मे बी द रीज़न, ठीक। फिर उसके बाद जैसे फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट या कोई भी आप ब्रांड ले लो, मतलब कोई भी आप अमेज़ॉन या कोई भी ओपन ऑनलाइन शॉपिंग साइट ले लो, ठीक है। उस साइट में क्या होता है, परचेज आप कर रहे हो, ठीक है, आप परचेज कर रहे हो, सेल्स
वो जिनसे आप सामान खरीदे हो वो कर रहे हैं। तो परचेज आप कर रहे हो तो परचेज रिटर्न भी आप करोगे, मतलब आपने खरीदा हुआ सामान वापस करा। सेल्स रिटर्न मतलब उनने जो बेचा था वो उनके पास वापस आ गया, वो उनका सेल्स रिटर्न है। ठीक, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल्स एंड रिसीवेबल्स। ठीक, पेबल्स और रिसीवेबल्स, इसी से ये वर्ड जो है मेरे को लगता है क्लियर होना चाहिए। पेबल्स मतलब जिनको आपको पेमेंट करना है, रिसीवेबल्स मतलब जिनसे आपको पेमेंट मिलना है। ठीक, पेबल्स मतलब जिनसे आपको जिनको आपको पेमेंट करना है, रिसीवेबल्स मतलब जिनसे आपको पेमेंट मिलना है। ठीक, क्लियर। इसके दो तीन और टर्म्स हैं ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स के, जैसे कि पहले आपका आता है डेटर्स क्रेडिटर्स, उसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल्स बिल्स पेबल्स। हाँ, वेरी गुड। देखो, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल्स जब हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड वर्ड हट जाता है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में जब हमारी बात होती है तो ये मेरा ठीक है ट्रेड पेबल्स, ये मेरा डेटर्स आता है और ये मेरा क्रेडिटर्स आता है। ठीक, ट्रेड पेबल्स मतलब हो जाता है मेरा डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएगा मेरा क्रेडिटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर विल स्टॉप आवर वीडियो फॉर दिस क्लास 11 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज के वीडियो में हमारा इतना ही कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आगे आप लोगों को और वीडियो दूंगी जिसमें आपके और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या जो बेसिक अकाउंट्स की थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ड्रॉप करके मुझे बताइएगा, जितना हो सके आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप नोटिफाइड रहें, हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो आए हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको फिर देख सकते हैं। थैंक यू।